गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ललिता सुखीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पेरेंटल केयर, द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग सो एज टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वंस इज कॉल्ड पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर in which a parent invests time or energy in feeding and protecting its offsprings. In fishes, all activities of the parents after spawning directed to facilitate proper and safe development of offsprings are included in parental care. Parental care is evolved in those organisms which produce limited number of eggs to ensure the continuity of their race. Advantages of parental care in fishes. First is survival, second protection, third contribute to reproductive fitness, and fourth increased growth rate and quality, and next better development. Types of parental केयर। बहुत सारी फिशेस ऐसे होती हैं जो कि ओवा के फर्टिलाइजेशन के बाद स्पॉनिंग एरिया को छोड़ देती हैं और वो एग्स की केयर नहीं करती, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे होती हैं जो कि एग्स के प्रोटेक्शन के लिए और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए कई तरह के मेथड्स को डेवलप कर लेते हैं। इसमें एक या दोनों पेरेंट्स मिलकर के कुछ एक्टिविटीज ऐसे करते हैं ताकि उन एग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए ये सुटेबल साइट्स को सेलेक्ट करती हैं, नेस्ट बनाते हैं और उसके बाद वो उनकी हैचिंग और हैचिंग के बाद भी केयर करती हैं। स्पीसीज विच हैव नॉट इवॉल्व एनी स्पेशल डिवाइस फॉर द सेफ्टी ऑफ ओवा जनरली प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एग्स सो दैट at least a few of them survive and complete development. इनमें इन सारे डेवलपमेंट्स और उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इनमें अलग अलग पेरेंटल केयर मिलता है। जैसे कि फर्स्ट इज मैटरनल केयर। इफ केयर इज प्रोवाइडेड बाय मदर अलोन, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल gestation is rare in fishes and is strongly associated with female care. इसमें female fish के द्वारा ही इसमें care की जाती है। Second is paternal care. If care is provided by father alone, in contrast to other animals in fish, it is the males that usually provide care. For example, जो stickleback fish होती है, उसमें जो मेल मेंबर होता है वो नेस्ट बनाता है और फीमेल्स को इनवाइट करता है टू ले देयर एग्स देयर। ही देन गार्ड्स द नेस्ट अगेंस्ट अदर मेल्स एंड पोटेंशियल प्रीडेटर्स। थर्ड इज बाय पेरेंटल केयर। इफ केयर इज प्रोवाइडेड बाय बोथ पेरेंट्स टुगेदर और इन सीक्वेंस। बेनिफिट्स ऑफ पेरेंटल केयर। The benefits of parental care are: it improves survival and development of young. The three main causes of parental care are: decreased parental survival, increased time until the next breeding attempt, reduce future fecundity. Patterns and diversity of parental care and fishes. फर्स्ट इज डिपोजिशन ऑफ एग्स इन सुटेबल प्लेसेस। जो सुटेबल प्लेस होता है वहां पे एग्स का डिपोजिशन किया जाता है। सेकेंड, जो एग्स और यंग वंस होते हैं उनको वो अपनी बॉडी में छुपा के रखते हैं। थर्ड, डिपोजिशन ऑफ एग्स इनटू सेल्फ मेड नेस्ट। ये एग्स के डिपोजिशन के लिए अपने द्वारा नेस्ट बनाते हैं। Fourth, care of independently swimming youngs, and fifth, viviparity. First is deposition of eggs at suitable places.
ये अपने एग्स की डिपोजिशन के लिए अलग अलग सुटेबल प्लेसेस को चूज करते हैं। फर्स्ट इज डिपोजिशन ऑफ एग्स इन स्टिकिंग कवरिंग। ये ऐसे कवरिंग स्टिकिंग कवरिंग को चूज करते हैं जहां पर ये अपने एग्स का डिपोजिशन कर सके। इसी तरह जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनको भी ये सेलेक्ट करते हैं जहां पर ये अपने एग्स का डिपोजिशन करते हैं। थर्ड, कुछ पिट्स होते हैं वहां पर ये एग्स लेट इन पिट्स। एंड फोर्थ, कभी कभी कुछ स्पीसीज ऐसे होती हैं जो कि जो बाइवॉल्व्स के शेल होते हैं, डेड शेल्स होते हैं, उनमें ये अपने एग्स का डिपोजिशन करते हैं। फर्स्ट, डिपोजिशन ऑफ एग्स इन स्टिकी कवरिंग। कुछ फिशेस ऐसे होती हैं, फॉर एग्जांपल कार्प्स, ये कुछ स्पेसिफिक स्टिकी कवरिंग बनाती हैं जिनके द्वारा जो इनके द्वारा एग्स होते हैं वो एग्स किसी स्टोन के साथ या वीड्स के साथ चिपके हुए रहते हैं। उस मटेरियल या जो स्टिकिंग मटेरियल होता है उसके साथ ये चिपक करके ये किसी स्टोन और वीड्स के साथ अटैच हो जाते हैं। इन येलो पर्क एग्स आर डिपॉजिटेड इन अ रोप लाइक स्ट्रक्चर। द एग्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ लॉन्ग फ्लोटिंग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, एग्स स्कैटर्ड ओवर एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कुछ फिशेस ऐसे होती हैं सच एज स्पाइक्स, कार्प्स एटसेट्रा, वो अपने एग्स को इन एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर स्कैटर्ड कर देती हैं जहां पर ये अटैच रहती हैं, जैसे कि ये आपको इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज डिपोजिशन ऑफ एग्स इन द सर्विसेज ऑफ द रॉक्स। इसमें जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये सेक्लोप्टेरस फिश होती है जो कि अपने एग्स को चट्टानों के में, इसकी जो सर्विसेज ऑफ रॉक्स होती हैं उनमें ये अपने एग्स को डिपॉजिट करती है। और ये नंबर में खूब सारे होते हैं, जैसे 80,000 टू 1,36,000 तक इनका नंबर होता है। और ये फिश क्या करती है कि इन एग्स के बीच में अपने हेड को घुसाती है और इस तरह से उसमें अपना हेड घुसाती है कि उसमें जो है पानी जा सके, और उसके बाद ये अपना इंश्योर करती है कि वहां पे एग्स का एरिएशन प्रॉपर वे में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। टाइम टू टाइम फिश प्रेसेस हिज हेड इनटू द मास ऑफ स्पॉन टू अलाउ द वाटर टू पेनिट्रेट इनटू द स्पॉन, इंश्योरिंग प्रॉपर एरिएशन ऑफ द एग्स। नेक्स्ट इज डिपोजिशन ऑफ एग्स इन डेड शेल्स। कुछ फिशेस की ऐसी स्पीसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल गोबीज, जो कि अपने एग्स को जो बाइवॉल्व्स होते हैं या ऑयस्टर्स होते हैं उनके डेड शेल्स में ये डिपॉजिट करती हैं। इन सच फिशेस द ओविडक्ट फ्रॉम द फीमेल इज ड्रॉन आउट इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग ट्यूब एक्टिंग एज एन ओविपोजिटर। जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो ओविडक्ट है ये ओविपोजिटर की तरह फंक्शन कर रही है और इस बाइवॉल्व में ये अपने एग्स का डिपोजिशन करती हैं, जहां पर जो मेल फिश होती है वो इनको फर्टिलाइज करता है। तो इस तरह से इनमें जो ये बाइवॉल्व्स होते हैं वहां पर ये फिशेस अपने एग्स का डिपोजिशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने अलग अलग तरह के इनका तरीका देखा कि ये अलग अलग सूटेबल प्लेसेस पर ये फिशेस जाकर अपने एग्स का डिपोजिशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पैरेंटल केयर इन फिशेस के डेफिनेशन देखी कि फिशेस में पैरेंटल केयर किसे कहा जाता है, और फिर उस पैरेंटल प्रॉपर वे में पैरेंटल केयर करने के लिए वो किस किस कौन कौन सी एक्टिविटीज और मेथड्स को डेवलप करती हैं ताकि उन एग्स का प्रोटेक्शन हो सके और प्रॉपर वे में डेवलपमेंट हो सके। तो आज के लेक्चर में हमने ऐसे नेस्ट या मेथड देखा कि वो फिशेस अपने एग्स का डिपोजिशन सूटेबल प्लेसेस पर करते हैं।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कुछ फिशेस ऐसे होती हैं जो कि अपने एग्स को अपनी ही बॉडी में रखे रहती हैं उनके पूरी तरह से डेवलपमेंट होने तक। ओके, थैंक्स क्लास।